हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8th की सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ, और उसकी अभ्यास है दक्षता अभ्यास 15। ठीक है, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में दक्षता अभ्यास 15 का फुल सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगी। तो देखो, हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 में 3 प्रश्न है, तो इन सभी के माध्यिका ज्ञात करनी है। किस तरीके से ज्ञात करेंगे हम देखो, तो किस तरीके से करेंगे हम पहले प्रश्न को देखो। सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, आंकड़ों को आरोही क्रम में, ठीक, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। किस तरीके से, 14, 15, 16, 17, 19, 20 और ये 22, 22 और ये 23। ठीक है, इस तरीके से आरोही क्रम में लिखने के बाद पदों की संख्या क्या है देखो। पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है। ठीक है, ये क्या है, पदों की संख्या 9, यानी कि ये n की वैल्यू है। ठीक है, n की वैल्यू। अब हम माध्यिका किस तरीके से निकालेंगे, माध्यिका विषम के लिए क्या है फॉर्मूला, n प्लस 1 अपॉन में 2 व पद, ये विषम का फॉर्मूला है। तो n क्या है, 9 प्लस 1 अपॉन में 2 व पद। ठीक है, कितना हो गया, 10 बटे 2 व पद। अब 2 से ये 10 को कैंसिल किया, पांचवा पद। तो देखो पांचवा पद क्या है, पांचवा पद क्या है यहाँ पे हम देख लेंगे इस प्रश्न में। पांचवा पद क्या है, 1, 2, 3, 4, पांचवा पद है हमारे पास 19। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पांचवा पद है 19, यही हमारी माध्यिका है। ठीक है, यही आंसर है। सबसे पहले हमारे पास ये संख्या है दूसरे प्रश्न में, इसको क्या करेंगे, आंकड़ों का आरोही क्रम। ठीक है, आंकड़ों का आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या है ये देखो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये 18, ये क्या है, आंकड़ों का आरोही क्रम। उसके बाद पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है पदों की संख्या, यानी n की वैल्यू 9 आ गई। माध्यिका क्या होगी, माध्यिका n प्लस 1 अपॉन में 2 व पद। n क्या है, 9 प्लस 1 अपॉन में 2 व पद, क्या हुआ, 10 बटे 2 व पद, क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैंसिल किया तो पांचवा पद, पांचवा पद। ठीक है, पांचवा पद। उसके बाद पांचवा पद क्या है हमारे पास यहाँ पे, पांचवा पद देखो, 1, 2, 3, 4, पांचवा पद क्या है, 10। ठीक है, तो पांचवा पद हो जाएगा 10, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही आंसर है हमारा। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, कौन सा देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 और ये 10। ठीक है, ये प्रश्न है हमारे पास तीसरा। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, तो आरोही क्रम इस प्रश्न का क्या है, आरोही क्रम यही होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10, ये आरोही क्रम होगा। ठीक है, उसके बाद पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या n क्या है, 10। ठीक है, सम है पदों की संख्या, तो फॉर्मूला क्या लगेगा माध्यिका का, ये देखो माध्यिका का फॉर्मूला लगेगा n अपॉन 2 वे पद का मान प्लस
एन अपॉन टू प्लस वन, वे पद का मान, ठीक है, और ये अपॉन में टू। तो देखो एन क्या है, दस बटे दो वे पद का मान प्लस, ये हो जाएगा दस बटे दो प्लस वन वे पद का मान, ठीक, और ये अपॉन में टू, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, पांचवा पद प्लस, ये पांच हुआ, पांच और एक कितना हो जाएगा, छठवां पद, ठीक है, अपॉन में टू है ये। पांचवा पद क्या है यहाँ पे, पांचवा पद क्या है यहाँ पर, पांचवा पद है, पांचवा पद यहाँ पर पांच है और छठवां पद छ बटे में दो, पांच और छ कितने होंगे, ग्यारह, ग्यारह बटे दो कितना हुआ, 5.5, यही हमारा आंसर है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित सारणी से माध्य का ज्ञात कीजिए, ये पद दे रखे हैं और ये है बारंबारता, तो किस तरीके से हल करेंगे हम इस प्रश्न को, देखो। तो देखो किस तरीके से करेंगे, ये पद है हमारे पास और ये बारंबारता, ठीक है, ये है हमारे पास संचयी बारंबारता, निकालेंगे हम। तो देखो किस तरीके से, ये पांच है, पांच, पांच और आठ कितने हुए, तेरह, पांच आठ और दस कितने हुए, तेईस, पांच आठ दस और एक कितने हुए, चौबीस, ठीक है, इस तरीके से। यहां से निकालेंगे हम एन बराबर, इन सभी को ऐड करेंगे, कितनी आएगी वैल्यू, चौबीस, ठीक है। अब एन की वैल्यू कितनी है हमारी, चौबीस, चौबीस क्या है, सम है, सम के लिए फॉर्मूला क्या है, देखो माध्यिका निकालने का सम के लिए फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन टू वे पद प्लस एन अपॉन टू प्लस वन वे पद का मान, ठीक है, और ये अपॉन में है टू, ठीक। तो देखो n की वैल्यू क्या है, 24 बटे दो प्लस 24 बटे दो प्लस वन कितना हुआ, ये 12 हो जाएगा, 12वां पद प्लस ये 12 और एक 13वां पद, ठीक है, और अपॉन में टू है ही। उसके बाद देखो 12वां पद कितना है, देखो 12वां पद, तो देखो 13 के पास आएगा क्योंकि 12 से ज्यादा क्या है, 13, कितनी है पद का मान क्या है, 7, तो 12वां पद के लिए क्या लिखा जाएगा, 7, 13वां पद 7 बटे 2, 7 और 7 कितने हुए, 14 बटे 2, 2 से 14 7 बार कैंसिल, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 7, ठीक। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों की आयु वर्षों में दी हुई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए, वर्षों में क्या है, 10, 12, 14, 16, 18 और शिक्षार्थियों की संख्या 4, 8, 12, 6, 10, ठीक, किस तरीके से ज्ञात करेंगे हम, देखो। तो देखो तीसरे प्रश्न में हमें आयु दे रखी है, बारंबारता दे रखी है, हमें संचयी बारंबारता निकालेंगे पहले, किस तरीके से, देखो चार, चार और आठ कितने हुए, 12, चार आठ बारह कितने हुए, 24, चार आठ बारह और छः कितने हुए, 30, चार आठ बारह छः और दस कितने हुए, 40, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 40 आई हमारे पास, यहाँ से एन की वैल्यू 40 है, यानी कि सम है, सम के लिए फॉर्मूला क्या है माध्यिका का, एन अपॉन टू वे पद का मान प्लस एन अपॉन टू प्लस वन वे पद का मान, ठीक है, और ये अपॉन में टू। एन की वैल्यू क्या है, 40 बटे दो प्लस 40 बटे दो प्लस वन अपॉन में टू, 40 क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, 20वां पद प्लस ये 21वां पद, 21वां पद और ये अपॉन में टू, ठीक। 20वां पद क्या है, 20वां पद है 14 प्लस 21वां पद 14 अपॉन में टू, 14 और 14 कितने होंगे, 28, 28 बटे दो ये कटेगा 14 बार, आंसर कितना आ गया हमारे पास तीसरे प्रश्न का, 14 आंसर आ गया।
उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले प्रश्न नंबर 4 के पहले प्रश्न में 1, 3, 5, 5, 5, 4, 6 इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे बहुलक? सबसे ज्यादा बार संख्या क्या आई है इसमें? 5, 1, 2 और 3 बार, तो आंसर हो जाएगा इसका 5। दूसरे प्रश्न में क्या है? 2, 4, 6, 3, 4, 3, 4, 4, 7, 2, तो इसमें आंसर क्या होगा? 4, 4 सबसे ज्यादा बार आया है। तीसरे प्रश्न में क्या होगा बहुलक? 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 3, 2, 3, 5, 2, इसमें बहुलक क्या होगा? इसमें देखो क्या संख्या सबसे ज्यादा बार आई है? 7। ठीक है, 4 बार आया है तो इसमें 7 है बहुलक। आगे है हमारे पास प्रश्न, आगे हमारे पास प्रश्न नंबर है 5। ठीक है, ये देखो पांचवा प्रश्न है हमारे पास। पांचवे प्रश्न में क्या है? विश्व हाथ धुलाई दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में विद्यालय के बच्चों द्वारा साबुन से हाथ धोने में लगा समय सेकंड निम्नलिखित है। ठीक है, क्या है? 20, 25, 20, 17, 15, 13, 17, 19, 20, 21, 25, 20, 15, 23, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रश्न में बहुलक क्या होगा? सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है? 20, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न हमारे पास छठवां। देखो छठवे प्रश्न में क्या है? नीचे दिए गए आयत में चित्रों को सारे शिक्षार्थियों का प्राप्तांक विवरण दर्शाया गया है। आयत चित्रों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो वर्ग विस्तार कितना है? देखो आयत चित्र देख लीजिए पहले आप एक बार, फिर मैं इसके आंसर कराती हूँ। ये है आयत चित्र, ठीक है, ये वाला, ये आयत चित्र है, इसमें से हमें आंसर करने हैं। ठीक है, छठवें प्रश्न की किस तरीके से देखो, इसमें पूछा वर्ग विस्तार कितना है, तो वो कितना है? वर्ग विस्तार है 10। ठीक है, 10-10 का डिफरेंस है, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस 10-10 का है, तो 10 है आंसर। कितने शिक्षार्थियों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए? 40 से कम अंक प्राप्त कितने शिक्षार्थियों ने किए हैं? तो देखो हमारे पास प्रश्न है 40 से कम अंक कितने शिक्षार्थियों ने प्राप्त किए हैं? तो देखो 40 ये है, इससे कम यानी कि 8 और फिर 6 और फिर 3 और ये 1, कितने शिक्षार्थियों ने किए हैं? 18। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 18। उसके बाद है 50 से 60 के मध्य प्राप्तांक कितने शिक्षार्थियों के हैं? इसे किस तरह करेंगे? तो देखो 50 से 60 के मध्य कितने शिक्षार्थियों के हैं? 50 से 60 के मध्य ये क्या है? 12। आंसर क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, यही लिख देंगे हम, आंसर है 12। उसके बाद हमारे पास है 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने शिक्षार्थी हैं? 50 से अधिक अंक कितने हैं? 27 हैं, आप यहाँ पे ऐड करके देख लेना उसमें। अगला है 10 से अधिक तथा 30 से कम प्राप्तांक कितने शिक्षार्थी हैं? 10 से अधिक और 30 से कम, इसका आंसर होगा हमारे पास 18। ठीक है, अगला प्रश्न है सातवां। इसमें क्या है? देखो किसी कक्षा के 30 शिक्षार्थियों ने गणित में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, ये है अंक। 5 के वर्ग अंतराल में आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए, पहला वर्ग अंतराल 20 से प्रारंभ कीजिए। तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे देखो, तो किस तरीके से करेंगे हम देखो, वर्ग ये है क्रम संख्या, इस तरह के लिख लेंगे। तो देखो 20 से 25 के बीच में कितने अंक आए हैं? कितने अंक आए हैं? 7। प्रश्न में आप गिन सकते हो 20 से 25 के बीच में कितने अंक आए हैं? 7 अंक आए हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे 7 अंकों को? 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे हम बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, कितने? 7 हो गए अंक। उसके बाद 25 से 30 के बीच में कितने अंक आएंगे? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, 30 से 35 के बीच में 3 अंक आए हैं। ठीक, 35 से 40 के बीच में 5, 40 से 45 के बीच में 3, ठीक, 45 से 50 के बीच में भी 3 आए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे, यही बनाना था हमें, ग्राफ बनाना था बस। सातवां प्रश्न हो चुका है। आठवां प्रश्न है हमारे पास, किसी कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रतिदिन के वेतन के आयत चित्र दिए गए हैं,
आय चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारे पास, रुपए 70 से 80 के मध्य वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है? ठीक है, कितनी है वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या? ये देखो, सबसे पहले हम चित्र देखेंगे। ये पीछे की साइड दे रखा है, ये देखो ये दे रखा है। तो पहला प्रश्न क्या है हमारे पास, 70 से 80 के मध्य वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 70 से 80 के मध्य कितनी है? 8। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे इसके सामने ही। ठीक है, पहले का आंसर होगा हमारे पास 8। ठीक, उसके बाद है हमारे पास दूसरा प्रश्न, क्या है, 90 या उससे अधिक तथा 120 से कम वेतन प्राप्त करने वाले कितने कर्मचारी हैं? ठीक है, कितने कर्मचारी हैं? तो फिगर में देख के आप उसका पता लगा लेंगे, 90 या उससे अधिक, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैंने आपको आगे भी पहले भी करा दिए हैं। तो इसका उत्तर आएगा हमारे पास 48। ठीक है, 48 कर्मचारी हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कितने कर्मचारी प्रतिदिन रुपए 100 से कम वेतन प्राप्त करते हैं? इसका है 44। आगे है, कितने कर्मचारी प्रतिदिन रुपए 80 या उससे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं? इसका आएगा 80। प्रतिदिन सबसे अधिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी हैं? इसका उत्तर क्या आएगा? 4। ठीक है, उसके बाद आगे है हमारे पास प्रश्न, ये देखो, उसके बाद है हमारे पास नौवां प्रश्न, 50 परिवारों का सर्वेक्षण करने पर प्रत्येक परिवार के पास रहने के कमरों के निम्नांकित आंकड़े प्राप्त हुए, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखो, कमरों की संख्या क्या है, ये रही 1, 2, 3, 4, परिवारों की संख्या 12, 24, 8 और 6। ठीक, तो किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे, क्या पूछा है, 50 परिवारों का सर्वेक्षण, बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम क्या देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, सबसे ज्यादा बार क्या आई है, 24 आई है, तो 24 के ऊपर संख्या क्या है, 2। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा इसका, बहुलक हो जाएगा 2। यही आंसर है नौवीं प्रश्न का। ठीक है, आगे है दसवां प्रश्न, दसवें प्रश्न में क्या है, निम्नांकित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए, प्राप्तांक दे रखे हैं और बारंबारता, हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो देखो प्राप्तांक हमने लिख लिए हैं और बारंबारता लिख ली है, उसके बाद संचयी बारंबारता हम निकालेंगे किस तरीके से, ये देखो 2, 2 और 3 कितने हुए, 5, 2, 3 और 4 कितने हुए, 9, 2, 3, 4 और 5 कितने हुए, 14, 2, 3, 4, 5 और 1 कितना हुआ, 15। ठीक है, यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ठीक है, एन की वैल्यू 15 आ गई, जो कि क्या है, विषम है। तो विषम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या है, माध्यिका का फॉर्मूला विषम के लिए क्या है, एन प्लस वन अपॉन में 2 व पद। ठीक है, 2 व पद, तो देखो एन क्या है, 15 प्लस 1 अपॉन में 2, 15 और 1 कितने हुए, 16 बटे 2, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 8। आठवां पद, तो देखो आठवां पद कहाँ से पता करेंगे हम, आठवां पद यहाँ पे या तो संख्या 8 होनी चाहिए या फिर 8 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, उसे छोटी संख्या हम नहीं लेंगे। तो 8 तो है नहीं, 8 से बड़ा क्या है, 9 है, तो यहाँ पे ये वाली संख्या लेंगे, 9 का प्राप्तांक क्या है, 35। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 35। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। अगला है 11वां प्रश्न, निम्नांकित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, पद ये है, बारंबारता ये है, किस तरीके से ज्ञात करेंगे हम, बहुलक को। ठीक है, बहुलक को मैंने आपको बताया, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही बहुलक है। तो देखो बारंबारता, बारंबारता क्या है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा बारंबारता 5 है, तो 5 की पद संख्या कितनी है, 23। तो बहुलक क्या आ जाएगा हमारा, बहुलक आ जाएगा यहाँ पे 23। ठीक है, यही उत्तर है हमारा। आगे है हमारे पास 12वां प्रश्न, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है, किस तरीके से निकालेंगे, देखो यहीं पे निकाल लेते हैं हम, यहीं सॉल्व कर देती हूँ इस प्रश्न को। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं, इनकी माध्यिका क्या होगी, तो देखो एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5,
इनको हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू 5। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या। माध्यिका निकालिए, माध्यिका विषम संख्या के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या है, एन प्लस वन अपॉन टू वा पद, एन प्लस वन अपॉन टू वा पद। ठीक है, एन क्या है 5, प्लस वन अपॉन टू, 5 और 6 6/2। ठीक है, इस तरीके से 3 वा पद। ठीक, क्या 3 वा पद, 3 वा पद क्या है, 3 वा पद यहां पे देखो, तीसरा पद क्या है 1 2 3, तीसरा पद क्या है 5 5, यही हमारा आंसर है। तो इसी के साथ आपकी अभ्यास दक्षता अभ्यास 15 समाप्त हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।